देखिए, मेरे पास ऑप्शन था, डीडीसी का जो बचा हुआ टेन्योर है 2 साल का, वो मैं बड़े आराम से पूरा कर सकता था, क्योंकि मेंबर्स ने बड़े ज़बरदस्त वोटों के साथ, हाईएस्ट मेजोरिटी के साथ मुझे चुना था 3 साल के लिए। लेकिन अगर आज मैं डीडीसी इस्तीफा न देता, डीडीसी की असली तस्वीर लोगों के सामने न रखता, तो शायद मुझे लगता है कि मेंबर्स के साथ बड़ा अन्याय होता। अगर मैं डीडीसी का असली चेहरा लोगों को न दिखाता अपने इस्तीफे के साथ, तो मेरे आत्मसम्मान पर ठेस होती। मेरे इस्तीफे ने एक चेतावनी की घंटी बजाई है, और ये मेंबर्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, बीसीसीआई के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, जिनके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, उन सबको ये बताएगा कि सिलेक्शन में बेईमानी करने वाले लोग, कॉन्ट्रैक्ट्स में बेईमानी करने वाले लोग, टेंडर्स में गड़बड़ करने वाले लोग, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए डीडीसी में आने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईमानदारी का गला घोट दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि जो मेरा इस्तीफा है, ये स्टेक होल्डर्स को चेतावनी देगा, वो ऐसे कदम उठाएंगे कि डीडीसी को लूटने के लिए जो लोग तैयार हो गए हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके।